सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर जिसे फादर ऑफ सुपर हीरोज और सिंबल ऑफ होप माना जाता है, वो लेट 90s में कहीं खो गया था। कॉमिक्स में सुपरमैन हमेशा से पॉपुलर रहा है, लेकिन मूवीज की बात करें तो लेट 70s और 80s में जो पॉपुलरिटी मिली थी वो 90s में बिल्कुल गायब हो गया था। जो लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते उनके लिए उस टाइम पे क्रिस्टोफर रीव ही सुपरमैन थे, लेकिन उनके मरने के बाद ये कनेक्शन भी टूट गया। बीच में एक मूवी और टीवी सीरीज भी आई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड नहीं था। ऐसे ही टाइम पे यानी 2011 में जैक स्नाइडर ने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत की और पहली मूवी मैन ऑफ स्टील का अनाउंसमेंट कर दिया। अब नया सुपरमैन कौन होगा, इसे लेकर लोगों के बीच काफी एक्साइटमेंट बढ़ने लगा और ज्यादातर डीसी फैंस को यही लगता था कि ये रोल डेथस्ट्रोक यानी जॉन मैंगलोनो को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे उनके रिलेशन जैक स्नाइडर के साथ बहुत अच्छे थे। लेकिन इवेंचुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये रोल 27 साल के ब्रिटिश एक्टर हेनरी केविल को मिला, जिन्होंने इससे पहले बैटमैन बिगिंस में बैटमैन, सुपरमैन रिटर्न्स में सुपरमैन और कैसिनो रॉयल में जेम्स बॉन्ड के लिए ऑडिशन दिया था। जब इतने स्ट्रगल के बाद किसी को कोई मौका मिलता है तो वो अपना 200% देने की कोशिश करता है, और यही जज्बा हेनरी केविल में भी दिखने लगा जब वो सुपरमैन का सूट पहनकर स्क्रीन में अपीयर होते थे। आज भले ही डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स खत्म हो चुका है, लेकिन फैंस हेनरी केविल को नहीं भूले, क्योंकि सुपरमैन को फिर से वही पॉपुलरिटी वही फेम दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके चांसेस बहुत ही कम है कि वो सुपरमैन के अलावा किसी और रोल में डीसी में दिखाई देंगे, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक हेनरी केविल एमसीयू में अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पे कौन से कैरेक्टर की बात हो रही है ये तो मार्वल ने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से रीसेंट ईयर्स में उन्होंने विचर और सुपरमैन को पोर्ट्रे किया है, उससे तो यही लगता है कि उन्हें कोई पावरफुल कॉस्मिक बींग या फिर सुपर हीरो का रोल ही ऑफर किया जाएगा। जब लोकी सीजन 2 रिलीज होने वाली थी तब भी हेनरी केविल को लेकर कई सारे रूमर्स निकल कर आए थे, और इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा था कि अगर जेम्स गन मार्वल और डीसी दोनों में काम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। इसके अलावा कैप्टन ब्रिटेन को लेकर भी उन्होंने कहा था कि एज ए ब्रिटिश ओरिजिन वो इस रोल को करने के लिए हमेशा रेडी है। हालांकि फैंस हेनरी केविल को हाइपेरियन के रोल में भी देखना चाहते हैं, जिसे बेसिकली सुपरमैन की सस्ती कॉपी कहा जाता है। रोल कैसा भी हो, आज की डेट में हेनरी केविल को एक सुपरहिट मूवी की बहुत जरूरत है, क्योंकि लास्ट ईयर उनको दो मेजर कैरेक्टर्स से हाथ धोना पड़ा। रिसेंटली रिलीज हुई उनकी मूवी आर्गाइल भी फ्लॉप हो चुकी है, तो ऐसे में कमबैक करने के लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बहुत जरूरत है। पर्सनली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेनरी केविल कौन सा रोल एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एज ए फैन अगर मैं उन्हें सुपरमैन के रोल में देख सकता हूँ तो सुपर विलेन डॉक्टर डूम के रोल में क्यों नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो सुपर हीरो जेनर में वापस आ जाए, क्योंकि ऐसे ही कैरेक्टर्स उनके ऊपर सबसे ज्यादा सूट करते हैं। तुम्हें हेनरी केविल को किस रोल में देखना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।